पशु पक्षी है तेरी मशहूर हम पे कर करम कर करम करवा करम दोनों जहां मेरा शरम। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। पर इस पाक धरती ते मुल्क दुश्मन ने जुर्म दी फसल बीज के ऐस सोने वर्गी जमीन नू बंजर बना देता है। जुर्म बद गया है, वहशत रूज ते आ गई है। गोदिश दफन हो गया है। कानून खामोश, ते जुर्म सरेआम बोल रहा है। आखिर दहशत गर्दी कदों तक होंदी रहेगी? एक हाबील नामी दहशत गर्दी वजह तो पूरे मुल्क का सुकून बर्बाद हो गया। थोड़े चो जेड़ा भी अफसर हाबील नू गिरफ्तार करेगा, इस मुल्क दी आन वाली नस्लां उन्हू सलाम करनगी। मेरा एतमाद कहंदा है क्यों मरते मुजाहिद नवा आने वाला डिप्टी शेर अली जेड़ा हबील दे ताबूत च आखिरी किल साबित होएगा।
यार यकीन नहीं आ रहा, नवे डिप्टी शेर अली ने हाबील नु गिरफ्तार कर लिया। सिर्फ दो ही हबील पैदा हुए ने, पहला ओ जिन्हें सरजमीन ते सब तो पहले कतल कीता सी, ते दूजा मैं जिन्हें सब तो आखरी कतल करना है। ते मैनू लगता है कि वो कतल तेरा होवेगा डिप्टी शेर अली। तेरे काले ख्वाब ना देखा कर हबील, डिप्टी शेर अली जिन्हों काला जेवर पुआ दे पिता पिघल के पानी हो जाता है। ए तेरी मिस्टेक है डिप्टी शेर अली, हले भी वेला ही मैनू अपना वड्डा अफसर मन के सलूट मार। डिप्टी शेर अली तेनु सलूट नहीं, हवालात बंद करके तेनु छेतर मारेगा। चलगे लग कुर्सी ते बैठन दा हक किने दिता है? सियासत दी दुनिया इच कुर्सी तो लड़न दी आदत है, ऐसे लिए खाली कुर्सी वेख के पै गया सा। वैसे ताड़ी इतला ले यार्दे, मैं पिए जाफर खाना अवाम दे नुमाइंदे दी गल अवाम दे मुलाजम ना सुने ये किस तरह हो सकता है? वैसे एमपीए साहब मैं ताड़ी की खिदमत कर सकना? ताड़ी खिदमत लई ऐ छोटा जिहा तोहफा लेके आया वहां, इन्हू अपनी तिजोरी च रख लै ते उस हवालात की चाबी मेरे हवाले कर दे जिदे च हबील बंदे। जाफर खान, मैं रिश्वतखोर ऑफिसर नहीं बल्कि रिश्वत देने वाले वास्ते जहन्नम हां। ला जा अपने आराम दे नोट। डिप्टी शेर अली, तू जानदा नहीं ए साढ़े इलाके जी मौजिस तरीन हस्ती ने। यस सर। तेनू इना नाल एहो जिहा सलूक नहीं सी करना चाहिदा, बल्कि ऐस हराम खोर नू सलाहां दे पिछे बंद कर दे। रिश्वत देने दे जुर्म च मैं तेनू गिरफ्तार कर लवां। अगे लग चाबा शेर अली, हुन हाबील का चलान कट के अदालत पेश कर दे। जज साहब, हाबील इंसान नहीं, इंसान के रूप में दरिंदा है जिन्हें इंसानी खून पीर की आदत पै गई है। अज तक कि गिरफ्तार ना होने की वजह एवे कि एदी आला हुकाम तक अप्रोच है, जिदा सबूत फाइल की शक्ल तुहाडे सामने पिया। जज साहब, जनाबे वाला, मैं अदालत के सामने उस अजीम हस्ती को पेश करना चाहता हूं जो कि हाबील के कातिल होने की चश्मदीद गवाह है। इजाजत है। थैंक यू सर। मैं जो भी कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। मैं एक ईमानदार ठेकेदार हूं जज साहब, इसलिए सच्चाई का साथ देने लई मैं अदालत में हाजिर होया हूं। इस गल की कोई गारंटी नहीं जज साहब कि मैं हाबील के खिलाफ गवाही देके इस कटेरे तो जिंदा बच के चला जावा। गवाह को पुलिस प्रोटेक्शन दी जाए, आप बगैर किसी खौफ के गवाही दे सकते हैं। शुक्रिया जज साहब। वो कुएं वाले दिन मैं अपने अंडर कंस्ट्रक्शन प्लाजा से मौजूद सा।
गवाहान के बयानात और वकला की बहस के बाद अदालत मुलजिम हाबील वल्द आदम खां को जेल दफा 302 ताजी रात पाकिस्तान सजाए मौत का हुक्म सुनाती है। सलाम। वालेकुम सलाम। हाबील ने सजा दवा के तू बड़ा वड्डा कारनामा सर अंजाम दिता है डिप्टी शेर अली। ये सब कुछ मेरी मां दी दुआवां ते तुहाडे जेरे साया काम करन दा नतीजा है। अच्छा ते नूरे नु भुल गए हो? साहब जी ए बचपन तो साडे नाल लड़ लड़ के लड़ाका बनया है, फड़ना है मुजमा नु की चूहे नु भी नहीं सी फड़ सकता। ए मेरे पुत्र दी मंग है पुत्र। माशाल्लाह। एसपी साहब मेरी एक गुजारिश है, ए सारा सारा दिन ड्यूटी च रहंदा है, एनु कहो कुछ टाइम मेरे लिए भी कर लिया करे। ओ जानिया के मारा तलीक। जानिया घर विच भी पुलिसिया बड़ा रहंदा है। शेर अली शहर दे मौजूदीन हाबील तो छुटकारा पाके इन्ने खुश हुए ने कि उन्होंने तेरे ऑनर एक 5-स्टार होटल पार्टी देने का फैसला किया, जिदे तेरी शमूलियत कल शाम 6 बजे बहुत जरूरी है। ओके सर। जरूर आई। खुदा हाफिज़। इंशाल्लाह। सर आपने येलो कैब में आने की जहमत क्यों की? हमने आपके लिए 1000 भेजी थी। इसलिए कि मैं रिश्वतखोर ऑफिसर नहीं हूँ, मैं बगैर सरकारी काम के गाड़ी इस्तेमाल नहीं करता, इसलिए मैं येलो कैब में आया हूँ। एक्सक्यूज मी सर, सर आपने इतने बड़े खतरनाक मुजरिम को कैसे पकड़ा? ये सब अल्लाह की रहमत और मेरे दाता की मेहरबानी से हुआ। थैंक यू सर। शेर अली जिंदाबाद। शेर अली जिंदाबाद। शेर अली जिंदाबाद। साहब इस शहर से बाकी मोजीन लोग कितने ने? पहले इस मुअज्जज चाचे ने तो मिले। तू तेनू तो मैं फांसी दवाई सी। ओ फंदा मेरे गले च फिट नहीं आया। बेवकूफ आज तक वो फंदा बनया ही नहीं जिड़ा हबील दी गर्दन दा मन का तोड़ सके। मेरी था बेचारे किसे गरीब दा मन का तोड़ गया ते उदा गुना और तेरे जिम्मे है। तेरा मन का कानून दा सिपाही तोड़ेगा, तेन मैं एक बार फिर गिरफ्तार करके कानून की अदालत पहुंचावांगा। डिप्टी शेर अली साहब हुण किसे ठेकेदार ने एदे खिलाफ गवाही नहीं देनी। ठेकेदार साहब तुसी ते कुरान ते हथ रख के एदे खिलाफ गवाही दिती सी। गवाही ते ने बिल्कुल सची दिती सी, इसलिए केस हबील ने एक नहीं एक लाख एक हजार 101 कतल किते ने। आगे तू बोल। हाबील दे गुनावा दा करा पर चुकी सी, लिहाजा वाम दी नजर च एदी मौत ते मेरी ईमानदारी दा ठंडोरा ऐसे तरह पिटले जा सकदा सी। करेक्ट। हालांकि मैं वो बेईमान ठेकेदार हां जड़ा ना किस मटीरियल नाल इमारतां बना के अवाम दी जानो माल नाल खेड़दा है। मैनू मुसीबत पैन ते छुटकारा एहो ही दुआंदा है। करेक्ट। हुण तैनू शेर अली दे शिकंजे चो
तेरा बाप भी नहीं बचा सकता ठेकेदार, मैं तेरे जेल दिया कंडा पीछे जरूर लेके जावांगा। एमपीए जाफर खान दे राज ऐ नहीं हो सकता डिप्टी। पर तू ते मेरे थाने बंद से तेरे थाने दिया गंदा मेरा पार नहीं चुप सकती है डिप्टी। और तेरे वर्गे नाजायज लीडर का पार भी ए पाक तती नहीं चुकेगी। तू कानून नाल खेलने की कोशिश की है, मैं तेनू आवाम की अदालत नंगा करांगा। हाँ बच्चा है पर तेनू एदी ताबीर नहीं मिल सकती। सर तुसी अच्छे थाने च नौकरी ते चंगी कोठी च रहण लई इहोजे अजीम लोकां नाल तालुकात रखने पैंदे ने शेर अली। इस शहर च तेरे सरकार दी मशीनरी पर आए ना मैं डिप्टी। असल राज ते साढ़े वर्गे गुंडिया का है, इस राज नू कहंदे ने शराफत नकाब च लुके हुए इन गुंडिया ते गुंडा राज नू मैं खत्म करांगा। जिंदा रहेगा ते ता ना। कोई लोड़ नहीं ताता, सरकार तेरे पुत्र दी आप हिफाजत करेंगे। हाबील अस्पताल डिप्टी शेरअली बच गया है। जो बच गया है ते तू जिंदा क्यों है? ओए पागल हो गया हाबील, ओए क्रेजी हो गया। हूं मैं शेरअली नु भी नहीं छड़ांगा। जमशेद साड़िया रगा तेरा खून कर्ज बन के दौड़ रहा है यार। बेशरली तू सिपाही है ते मैं एक फौजी, तेरा मेरा फर्ज एक है, ते फिर मेरा खून तेरे ते कर्ज किस तरह हो सकता है? जरूर हो सकता है, इसलिए कि तू अपना खून एक फर्ज शनास पुलिस अफसर नहीं मक्कार ते राशि अफसर दिता है। मैनू तो पता ही अच लगा है पुलिस अफसर के रूप तो एक गुंड है जिदी वजह तो पूरे इलाके च गुंडा राज है। ए, तुसी कह रहे हो टीआईजी साहब? ए मैं नहीं, इलाके का हर आदमी कहता है जिन्हें तू गन पॉइंट रख के रिश्वत मंगी है वो तेरे सामने ने। रिश्वत ना मिलन दे बदले तू अपने सीनियर समेत मौजूद शहरियों की ए हालत की थी? नहीं
दिया जी साहब, इन्हें मुनाफकों की कोई चाले मेरे सीनियर समेत मुल्क के दुश्मन ने जिन्हों की वजह तो इस इलाके च गुंडा राज है। शेरा ठीक कह रहा डी जी साहब, हराम खान वाला डिप्टी कभी सीने से गोली नहीं खांदा। ए गोलियां इधर सेल्फ डिफेंस चलाई गई ने। स्टॉप इट डीआईजी साहब, स्टॉप इट, आई से स्टॉप इट। जे शेर अली ते चलन वाली गोलियां सेल्फ डिफेंस चलाई गई सन, ते फिर इसकी मौत को हादसा साबित करने लई इनू बिल्डिंग तो थले क्यों सुटिया गया? एसपी खान, ए मौजूद ठेकेदार ते एमपी जफर हुसैन का बयान तेरे बयान नालों ज्यादा इंपॉर्टेंट है जवान। मैं तेन रिश्वत लैन के जुर्म च मुअत्तल भी कर सकना शेर अली। तुसी मैनु की मुअत्तल करना डी आई जी साहब, मैं आप तुहाडी पुलिस नूं खैर बात करना वा। शेर अली नहीं, बागी का बागी, और नए खुंडे बचन के ते नहीं गुंडा राज। ते जे तोड़े कानून ने मेरे रस्ते दे कंध बनन दी कोशिश की थी, ते मैं इना दा भी कड़ा कर दियांगा। चश्मदीद गवाह मजा साहब, जेड़ा अपनी जान दी बाजी ला के अदालत तक पहुंच गया है, जे मेरी तरह गवाहों दे रस्ते रुक दे रहे जस साहब, ते इंसाफ अदालतों चो खत्म होके जालमों दे हद तक पहुंच जाएगा। जस साहब, तुहानू रब दा वास्ता अपने इंसाफ विच तरमीम कर दियो, ते अपने केसां दे फैसले गवाहों दे सबूतों दे बजाय कुराने पाक की कसम से करो, क्योंकि गवाहों को लेके अदालत तक पहुंचने तो पहले अपने खानदान के बेगुनाह फर्दा दिया लाशा वेखनिया पैंदियां ने। तुहाडे अदालतों के केस मुक जाते ने जज साहब, ते जड़ी दुश्मनी गवाहों ते मुजरमान की पै जाती है और नस्लां मुका के सा लेंदी है। तुम गवाही दो, कानून तुम्हारी हिफाजत करेगा। किस किस जान की हिफाजत करोगे जज साहब? जो कुछ भी करना है कटहरे में आकर करो। तुसी ते इंसाफ की कुर्सी ते बैठ के अदालत दी अंदर दी जंग मुका रहे हो, बाहर दी जंग कौन मुकाएगा? जिथे पैसे ले प्रा प्रा दा खून कर रहा है, ते बाप अपनी मासूम औलाद नु ज़बह कर रहा है, ते जिथे इंसानियत दम तोड़ रही है, दम तोड़ रही है जज साहब। मैं ते इन्हां नु जानता भी नहीं है कौन ने। हां भाई, हुण तैनू सानू जानन दी की लोड़ है? जज साहब, जेड़ा बंदा अपनी धी दे जायज दे पैसे नाल जुआ खेल सकदा है, वह साडे वर्गे मोसीना नू भी भुल सकदा है। मैं ते अपना बयान दे दिता जज साहब, हुण फैसला करन दा हक ताडे कोल है। मैं झूठ बोल के अपनी कबर दी मिट्टी दा वजन नहीं बताना चाहुंदा। चल दीवाने, चलिए यार। गवाहों के बयान से यह साबित होता है कि मुल्ज़िम सादिक ने एक शरीफ इंसान के साथ धोखा किया है, लिहाजा अदालत मुल्ज़िम सादिक को हुक्म देती है कि वो गुलाम अहमद को 1,00,000 रुपया वापस करे। अरे पांच बंदा ओए अदालत पीछे रह गई है, सीधा आ जा।
दीवाना मस्ताना, मैं तादा सैकिंग कबाना। साहब कीर बोलने गया चल गए। तुसी ऐसे झूठी गवाही दीती है? उधर दूसरी पार्टी का एडवांस आ गया, ए डेटा ने। चल रुको जी, ए अपनी फीस ते लेंदे जाओ। ए पैसे तुहानू मुबारक होण सेठ साहब, असी ने झूठियां गवाहियां दी फीस लेने आ, ए गवाही ते सच्ची सी। दीवाना ठीक कहंदा सेठ साहब, ए पैसे तुसी साडे वल्लों अपनी धी दे जेब विच खर्च कर लेना, ते दुआ करना कि जिस तरह तुहाडी धी इज्जत नाल रुखसत हो रही है, अल्लाह सानू भी तौफीक देवे कि असीं अपनी भैन नूं इसी तरह इज्जत नाल रुखसत कर सकीए। छेती छेती खाना पका लै राणी, तेरे वीर आने वाले ने। बस मां पक गया। बिस्मिल्लाह, मेरे पुत्र आ गए, आ जाओ। खाली पुत्र ही नहीं आए, नाल चड्डुआं दा कौंसलर भी आया। मां जी हुण तू सानू वालियां गल्लां ना करो भाईजान, ते फटाफट गर्मा गर्म खाना खाने की तैयारी कर लवो। चलो ओए, मैं ते अपनी लकी कबूतरी नूं दाणा पाउणा सी। हां जा बेटा, फटाफट दाणा पा, किधरे ऐ ना होवे कि तेरी लकी कबूतरी नूं मल्ले दा बिल्ला ही पै जाए। साडी एडी किस्मत कित्थों, मेरे होंदियां बिल्ला किस तरह पै सकदा। Thank you.
करता मैं वादा, मैं नहीं कभी डोलना। गुटकू बोला मैं, गुटकू बोला सर, जरूर होगी। कल मदीना मार्केट च एहो जिया बम फटेगा, एहो जिया बम फटेगा कि सारी अवाम उन्नास तहस तहस हो जाएगी। गुड, वेरी गुड। एदा मतलब है कि मदीना मार्केट कोशिश न करिए फौजिया, नहीं ते तेरी दूसरी लत भी तेरे वजूद नाल नहीं रहेगी लंगड़िया। मैं इस बंब नू नकारा जरूर करांगा। डिप्टी शेर अली, डिप्टी शेर अली नहीं आए, तुहाडा प्यू मैं वर्दी ला दिती है जिदा अदब तुहाडे दिल च मुख्य सी। जिस तरह लैनू कट्टन लई लया बनना पैंदा उस तरह तुहाडा गुंडा राज मुकाण लई अज शेरा भी गुंडा बन गया। जमशेद तू बम नू ना कर अपना, मैं ना बेखैरता नाल निबड़ना वा। सरकार दे मनन वालिया नू कदे कुछ नहीं होया पैना, जे तेरे दोवें पराए ने की लई मर भी जांदे ते फेर लोकां ने तैनू शहीदां दी भैण आखना से। वेख ले जमशेद, इस मैदान च भी फतह दादा दे दीवानिया दी होई है।
तू सिर्फ इनी दुआ कर पैना, एक बारी वतन दे दुश्मन मेरे सामने आ जान, फिर देखी मैं इन्हू पट्टी दे दाने वांगू बंदा किस तरह वा। ओए वर्दी लाके ते शेरा साडे लई होर खतरनाक बन गया है, तू अपना बचाव कर। जी सर, जी सर, सर जी। शेरे नू ठिकाने लाण दी ड्यूटी मैं एमपीए जाफर खान दिला दीती है। ओके, बास नू की पता है कि मैं शेरे बदमाश दे डर तो सारा दिन बाथरूम चो बाहर ही नहीं निकलिया। शेरा बदमाश? ओ शेरा बदमाश नहीं, ओ शेरा मेरा प्यू, मेरा दादा, मेरा नाना। ओए रब दा वास्ते, ओ एक बारी माफ कर दे मैनू। तेरे वर्गे तखरीब कर नू इस मुल्क च रहण दी कोई लोड़ नहीं। अपने काम दे बड़े बड़े फनकार ने डायरेक्टर साहब लंकार ऐसा नहीं बजा रहा, असि ते हर पासे फनकार हाँ। साड़ी फनकारी वेखनी है ना, किसी दिन अदालत ही जा फिर असि मिलांगे। हाँ अदालत ही, और कुछ छोटा मोटा गुनाह करके अभी लोकल किस्म का आ तो तन कि छुड़ाने तेन साढ़े फनकारी का पता लग जाएगा। ना तो मैं बहुत वड्डा करांगा, जेड़ा हीरो मेरे शो से नहीं पहुंचे उन्हें कतल करके अदालत ही चाहवांगा। केड़ा हीरो? अजी मेरा जो शो हैगा कि हीरो ही नहीं आया। समझ गया समझ गया, तुहानू वहीद मुराद वर्गा हीरो चाहिए। हाँ जी तेंज कहो ना, तुम भी डायरेक्टर ही है बिल्कुल। ला जी हाँ चल पे, तू मेरा प्यार है चल, मैं मेरी मोहब्बत है, मेरी आरजू है, मैं तेरे बगैर नहीं रह सकता। तुमने हमने मिलके साथ जीने भर रेखी कसम खाई थी चल, मैं तू मेरा प्यार है चल, मैं मेरी जिंदगी है। आदत सी मैं आप नहीं किया, वहीद मुराद साहब भी यो करते, सारे हीरो यो करते हैं। तुम ऐसा करो, अंदर स्टेज से मेरी हिरवन मुंतजिर है। कंडा काट के पैर पिछो मेरे, कंडा काट के पैर पिछो मेरे, रांदा मेरी गली दे दो को फेरे। ए मुंडा बेईमान लगदा हाय, ए मुंडा बेईमान लगदा। कंडा काट के पैर पिछो मेरे, रांदा मेरी गली दे दो को फेरे। ए मुंडा सुती पई हो जद मारदा गीटिया। मेरे चुम गए हुए ते बनेरे, मेरे चुम गए हुए ते बनेरे। लांदा मेरी गली दे दुख फेरे, ए मुंडा बेईमान लगदा हाय, ए मुंडा बेईमान लगदा।
बन के मैं आना घर तेरे, तेरे बन के मैं आना घर तेरे, नादा मेरी गली दे लोग फेरे, ए मुंडा बेईमान लगदा है, ए मुंडा बेईमान लगदा, कंडा कट के पैर बिचो मेरे, नादा मेरी गली दे लोग फेरे, ए मुंडा बेईमान लगदा है, ए मुंडा बेईमान लगदा। की कर सकती चारी, मेरी बच्ची की जिंदगी किसी चीज की कमी नहीं, अगर कमी है तो एक बाप की। तू लोगों को पैसे लेके झूठियां गवाइया देना है, मेरे को पैसे लेके मेरी बच्ची का झूठा बाप बन जा। तेरी बच्ची का बाप ते मेरा पुत्र सी, जेड़ा मरण लग्या मेरिया बेड़िया च वटे पा गया, ते ओदा गम गलत करन लई मैं नशा पीना, ते एना नोटा दा मैं नशा खरीदांगा, तैनू बाप खरीदन दी की जरूरत है? ऐस लई कि हाले पिनकी दा था जिंदा है। तू ते मोया तो भी बदतर है, मेरे खावन दी आई तैनू आ जांदी, ते अज मैं स्टेज ते नचना ना पैंदा। तू पावे स्टेज ते नच ते पावे कंजरी दे कोठे ते, मैनू पाउडर पीन लई नोट चाहिदे ने, नोट बस। ए बगैरत जिहा बुजुर्ग तुहाडा सौरा सी, ऐसे बच के टुर गया, नहीं तो मैं तुझी लड़ी पान देनी सी। एनू छोटो तुसी मेरे नाल वादा करो, तुसी पिंकी दे बाप बनोगे ना, मैं तुहानू मुआवजा दे देंगी। मैंने तुमसे कहा था ना पिंकी कि तुम्हारे पापा लंदन से लौट आए हैं। पिंकी बेटे, पापा तुम्हें लंदन में बहुत याद करते थे, इतना याद करते थे हर वक्त अपनी बेटी का जिक्र करते थे। तुम भी पापा को याद करती थी? क्यों नहीं पापा, मैं तो अपने स्कूल की हर कॉपी पर आपकी तस्वीर बनाया करती थी। अरे वाह, हमसे झूठ। अरे जब मैं लंदन गया था तो उस वक्त तू इतनी सी थी, तो फिर तुझे पापा की शक्ल कैसे याद है? जैसा मैं सोचती थी कि मेरे पापा ऐसे होंगे, आप बिल्कुल वैसे ही हैं। पिंकी, पिंकी बेटे, पिंकी, पिंकी बेटे। पापा, अब मैं आपको नहीं जाने दूंगी, आप जाएंगे तो मैं मर जाऊंगी। पिंकी, तू अपने पापा से इतना प्यार करती है, हैं? मरना नहीं बेटा, पापा तुझे मरना नहीं देंगे, अभी तो मेरी पिंकी ने बड़ा होना है, चॉकलेट खानी है, डॉक्टर साहिबा बनना है, पापा को टीका लगाना है, मरना नहीं बेटे, मरना नहीं बेटे। मुझे पता होता कि तू अपनी कॉपी पर रोजाना मेरी तस्वीर बनाती है तो मैं बहुत पहले आ जाता बेटे, बहुत पहले आ जाता बेटा, बहुत पहले आ जाता बेटे, बहुत। पिंकी बेटा, मेरे पारा बच्चे ऐसे नहीं रोते। हाँ, मैंने आपसे कहा था ना बेटा कि आपके पापा आपसे बहुत प्यार करते हैं, ये बाप को कभी छोड़कर नहीं जाएंगे। हाँ, कभी छोड़कर नहीं जाएंगे मेरा बेटा, कभी छोड़कर नहीं जाएंगे। मम्मी, मैं अपनी सहेली को बताऊं कि मेरे पापा आगे हैं। चलो शाबाश, जाओ चलते। नहीं बेगम साहिबा,
मैं काम नहीं कर सकता। मैं बड़े बड़े वकीलों ते जजों के सामने झूठ बोल के उन्होंने बेबस किया है, पर आज इस नन्हे फरिश्ते ने मस्ताने भर के झूठियां गवाहियां देने वाले नू बेबस कर देता है। मैं उस बच्ची के सामने झूठ नहीं बोल सकता। हूं तेन इस झूठ का परम रखना पेगा मस्ताने, ते मेरी बेची मर जाएगी। नहीं नहीं बेगम साहबा, पिंकी नहीं मर सकती। पिंकी नू नहीं मरना चाहिए। मैं झूठ बोलांगा, पर वो मरण का ना कहना जी। पहलो तुम्हारी रकम, मैं सारी हयाती झूठ बोलन के पैसे लिते, पर अज यह झूठ सिश्ते भी पारी हो गया। पिंकी भी नहीं मरेगी, तो उसका पापा भी उन्हें छोड़ के नहीं जाएगा। वाह मस्ताने, लोकी ते तेन झूठ का मीनार समझते ने, पर आज पता लगे कि तू इंसानियत आलम पर तारे। काम क्यों रुक गया? एक काम मैं रोकिया ठेकेदार साहब। ऐसली की बिल्डिंग इंसानों के रहने वास्ते इस्तेमाल होएगी, उन्होंने कब्र बनाने वास्ते नहीं। जे है नाकस मटीरियल इस्तेमाल होएगा, एक काम इसी तरह ही रुकिया रहेगा। कम तो हो ही जाएगा इंजीनियर साहब, पर दसो तुसी लेना की है? मैं बेईमानी के पैसे ते लानत भेजना वा। जब तक तुसी सही मटीरियल प्रोवाइड नहीं करोगे, एक काम इसे तरह ही रुकिया रहेगा। डैड, एक काम वक्त तो इंजीनियर है, जड़ा ना विक सकता है तो ना टूट सकता है। टूटते सकता है ना पुत्र।
कतल ते इस शहर च रोज होते ने, पर कुछ कतल छुपाया भी नहीं छुपते। इंस्पेक्टर, आज तेरी जबान जो साड़ा नमक नहीं, कानून की वफादारी बोल रही है। सिर्फ ऐस नहीं कि कतल होने वाला एक आम इंसान नहीं सी, ओदे जनाजे दे पिछे खलोन वाली कतार लखां दी सी। ओ मजदूरां दा लीडर ते एक ईमानदार इंजीनियर सी। बेईमान दी इस काली दुनिया च ईमानदार दी जिंदगी आटे च नमक दे बराबर होंदी है। तू अपनी जबान बंदी दी कीमत दस, इस कतल नू किसे बेगुनाह दे मोड़िया दा पार बना दे। तेरी सोच नालों ज्यादा फीस है। ठीक है, ताड़ा नजराना मैं किवे ठुकरा सकना, आखिर मैं इस इलाके च रहना भी है। वेखिया माई डियर सन, दौलत की ताकत जिसे सामने कानून ते की हर शय चुप जाती है। जे ताता सरकार ने मेरी इन्हां बुरे लोगों नूं मुकाउण दी ड्यूटी लाई दित्ती है ते फिर वह मेरे सामने क्यों नहीं आते, जिन्हां दी वजह तो अज मेरे शहर च गुंडागर्दी आम हो गई है। सबर कर पुत्र शेर अली, सबर कर। जदों इन्हां बुरियां दे गुनाहां दा गला भर जाएगा ते फिर दाता सरकार आप मत्थे ला देगा, आप मत्थे ला देगा। चाचा वीर कर करम, करवा करम ते रख शरम। कौन है तू, असल कितों है? मैं दादा सरकार दे दरबार से हाजिरी देन गया सा सर, ते उतो आया वहां। दादा साहब हाजिरी देन गया सा या कतल करके आए? कतल? एक ही कह रहे हो इंस्पेक्टर साहब। ओए, जो एक कानून दे मुहाफज नु कहना चाहिए थी। ए जबान कानून दे मुहाफज दी नहीं, बल्कि उस रिश्वतखोर अफसर दिए जेड़े कातल बेगुनाह ते बेगुनाह कातल साबित करके कानून की वर्दी बेच देंगे। मुश्ताक, पहले चंगी तरह आकर तो लाओ, फिर इन हथ करी लाओ। वर्दी कानून दी पाके ते कम गुंडे वाले कर दे हो, फिर कहंदे हो कि इस मुल्क तो गुंडा राज नहीं खत्म होंदा। असल दुश्मन दे तुसी हो, लम्मे कुर्ते पाने वाले ते सिर्फ बदनाम ने। जब तक तुहाडी इस्लाह नहीं हो जांदी, इस मुल्क चो गुंडा राज खत्म नहीं हो सकता। कातल दी हमेशा का शरिया एक कातल नहीं हुआ है। जब तक मेरी जिंदगी है तू तो तेरा कानून किसी दाता के दीवाने नू ना कानूनियत के चाल च नहीं फसा सकता। जाके कह दे सरप्रस्ता नू जे उन्होंने किसी बेगुनाह नू फाइल लवाने की कोशिश की थी ते मैं उन्होंने दिया लाशा मीनारे पाकिस्तान से टंग देंगा। तेरे ते हर सियासत अजमा लईए पर फिर भी तू मोम नहीं होया। मैं एक कागा नूरिए, मेरे न लगेगी तो सड़के सुआ हो जाएंगी। मैं पानी आ सजना चेड़ी ऐसा कलू
बुझा देगी। ओ पराठ नूरिए, मेरे पीछे आगे क्यों अपनी जान की दुश्मन बनन लगी है? मैं वे पहले दुश्मन धारा। तू सज्जन बन के बाप हलने शेरिया, नूरी तेरे हर दुश्मन का मुकाबला पाडर ते खलोते सिपाही वांगू कर सकती है, पर तेरी बेरुखी नहीं सह सकती। लगता है तू पागल हो गई है, तेरी मां नु कह के तेरा इलाज करवाना पड़ेगा। मेरे दिल का डॉक्टर ते तू है शेरिया, ऐस मर्ज नु तू ही दूर कर सकना है, मां नहीं। तू सिर्फ उन झूठे गवाहों को खरीद ले।
सलाम अलैकुम चाचा जी। सलाम अलैकुम जी। बच्चे डराना चाचा जी, यह लोहे की बिल्ली थोड़ी है। तुहानू मिलन का मैं बड़ा शौक सी, सुनिया तुसी झूठ बोलन दे बादशाह। कम दसो सेठ साहब, जे साडे वास होया असी तुहाडे जरूर काम आवांगे। काम मुश्किल नहीं, ओही है जड़ा तुसी रोजाना करदे हो। तेरा सेल खराब है, तुसी कतल दी गवाही देनी है। जनाब तुसी साडा गलत अंदाजा लाया, असी कतल दी झूठी गवाही नहीं दे सकदे, क्योंकि मैं सुनिया है जेड़ा बंदा भी कतल की झूठी गवाही देता है ओदा कबर च यह हाल होंगे। हेलो, अपना गन आप चुकना पैंदा। असी छोटी मोटी गवाही देने हैं, किसे दी बकरी गवाच जाए, किसे दी पैन निकल जाए। अब पागल हैगा तू भी, किसे दी क्यों, इना दी पैन। मेरा मतलब है तुहाडी पैन, एदी पैन। तुहाडी बीवी, तुहाडी बीवी एदी मां पैन। हर कम इंसान दुनिया च पहली बारी करता है, उदे बाद वो आदि मुजरिम बन जाता है। ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते, एक गवाही दे बदले 1,00,000 रुपया मिलेगा। 1,00,000 ते की तू दुनिया की सारी दौलत ही साढ़े कदमा से रख देवे, ऐसी यह गुनाह नहीं करेंगे। चल मस्ताने। जा जाफर खान, आप कितना सोना है, इस्ताद की रखे है। कहो तेरे अंकल इन्हें फिनिश कर दिया। नहीं, कतल हो गए ते फिर गवाही कौन देगा, मैनू इन्हों की कमजोरी हथ लगे ते फिर वेखांगा क्या गवाही किस तरह नहीं देते। इन्हों की कमजोरी और लंगड़ी भैन अंकल जिन्हों रुखसत करन लई इन्हों दोवां कुत्तियां नू सोने दियां बताखियां चाहिदियां ने। Ah!
की किरण लगी से मैं मर जाना चाहनी हूं, तू मैंने क्यों बचा लिया? चलिए जिंदगी मौत की अमानत है, इसे विच कोई बंदा भी खयानत नहीं कर सकता। तेरी जिंदगी तमाशा बन जाए, उस जिंदगी नु मुक्की जाना चाहिए, मुक्की जाना चाहिए। जालमन उन्होंने जुल्म की सजा मिल गई है, पर जेड़ी बदनामी साड़ी हुई है हम उसे नहीं मिटा सकेंगे। थोड़ा रब इस तरह रखन से आवे जब गुनाह पर्दे पै जाने ने, तुसी ते फिर बेगुनाह हो। ये तो सिर्फ तू जानना पुत्र, इस माशरे नु कौन समझाएगा जेड़ा अग लानी तो जानता पर बुझानी नहीं। गरीब की धी तो पहले ही छाननी छानी जाती है, जो ये बदनामी साढ़े घर के दरवाजे से चमकेगी तो कोई भी सेरे बन के सपाज के मथे से टिक्का लान नहीं आएगा, नहीं आएगा। ये मथे का टिक्का मैं बनागा, फिर देखना इस मुआशरे चो कौन है जरा शेरे की इज्जत रख चुके। अल्लाह तेरा शुक्र। अपने सिर की कोई परवाह नहीं नूरिए, पर जबान दे के बदल जाना ए शेरे दी तोहीन है। तेरी जबान ने सिर्फ सानू ही मौत का हुक्म सुनान दा बल सिखिया। तू मेरी मजबूरी नू नहीं समझती नूरिए, जे मैं जख्मा से मरम ना रखिया यो मर जाएगी। हनु सुहा जोड़ा पान तो पहला इस लाश ते चिट्टा कफन जरूर पा दे शेरिया, जे हो सके सेज ते बचे फुल मेरी कब्र ते जरूर पा दे शेरिया, जरूर पा दे। तेनु की पता होवे चलिए, मैं सेज सजाड़ ली नहीं, किसी की जिंदगी बचाने लिए सब कुछ कर रहा वा। भरावान की जिंदगी ऐसी भी है मां कि उन्होंने बाजार वाले किसी का पता ना लगे, जे उन्होंने बाजार वाले किसी का पता लग गया तो इंतकाम लैन टुर पेंगे तो उन्होंने जिंदगी अजीर्ण हो जाएगी। मां मैं तो उन्होंने अगे शेरे का नाम ही नहीं लेना, किधरे उन्होंने शक ना हो जाए। और शक तो सानू वेड़े वड़न तो पहले ही हो गया सी मां जी, कबाने ने सानू बाहर ही दस दिता सी कि साड़ी पैन की गल पक्की हो गई है। साड़ी गल पता नहीं कदों पक्की होगी, पहले तू आप ते पक ले। किड़ा शौक है तेनू ब्याह दा, और निकाह ना कराई किधरे तेनू उन छुआरे नाल कोई तेनू भी वड़ दे। मां जी एक गल दसो, तुसी जरा इहदे सिर च डीडीटी छिड़को ताकि इहदियां सारियां जुआं मर जान, इहदियां जुआं घर च डिगदियां ने। यह वेखो एक जू किड्डी वड्डी हो गई है। नाले मां जी यह दसो साडा होण वाला भनवैया कैसा? मैं उहदी तसली कर लीती है, जो जब तुसी दो पुत्र हो तीजा वो मिल गया, वैसे भी उन्हें साढ़े को सिर्फ तिना कपड़िया च धी मंगी है। मां जी असी भैन खाली हाथ नहीं टोरांगे। कोई नहीं उसे दे हाथी चीट फड़ा देंगे। और नहीं मस्ताने जिड़िया तिया भैन घरों खाली हाथ जांदियां ने और सारी हयाती सोहरिया के ताने खांदियां रहिंदियां ने। यह गल तो ठीक की थी। तो फिर चलिए चल के भैन का जायज इकट्ठा करिए। चलो मां जी ए बुआ बंद कर लेना, यह जनरा ला लेना। आओ जी। मैं अपनी हैसियत के मुताबिक भैन नू फीडर देंगा, साल बाद काम आएगा। चुप कर वे, रब हो जाए भरा हर भैन नू देवे। ओहो दीवाने लगदा कोई लम्मी पार्टी आई है। ओए आते ओही अवतार पार्टी है जिन्हों असीं इनकार कर चुके हैं। बच्चो मेरे हाथ की जड़ा रिमोट कंट्रोल है, ए उस बम दा है जेड़ा तुहाड़े कार की दीवार नाल फिट कर देता है। हाँ हुण फैसला तुहाड़े हाथ विच है,
कि तुसी कतल दी गवाही दे के अपनी पैन नू सुआ जोड़ा पवाना है या इनकार करके मां ते पैन नू चिट्टा कफन पवाना है। दीवाने जी मस्ताने। तो यार हुण ते घर दा मामला है, गवाही देनी पैगी। भाई दा वे कतल पाना किदे ते वे? एक बदमाश गिरफ्तारी दे वारंट ने छेड़िया। और मेरा जुर्म की है? उस रात जिस फौजी की तू वकालत की थी, हाथ लो नहीं तू है तू। तू एक बेगुनाह इंजीनियर कतल करके गिरफ्तार करने का शौक पैदा होया? मैं बगैर सबूत दे तैनू गिरफ्तार नहीं था कर सकता। ये तो डेरे की तलाशी लवो। सुना साहब, ओए साडे सिर दा सौदा किन्ने च कीता ई? लगता मुखालफा ने रज के रिश्वत ला दी है साहब। ए खंजर बरामद होया सर। अच्छा अच्छा, इस खंजर नाल तो इंजीनियर का कतल किया सी। गिरफ्तार करना इन्हों। साहब बड़ी चंगी चाल चलिया, पर मैं भी ताजता हो यका वा जिन्हें इस गुलाम को मात नहीं खानी। इसका फैसला अदालत का बादशाह करेगा। मिस्टर शेर अली, आपने वकील क्यों नहीं किया? वकील मुजरम करते ने जज साहब, जिन्होंने प्रशासन रब तो दे रसूल ते होवे, उन्होंने किसी वकील सफाई की लोड़ नहीं होती। योर ऑनर, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के मुताबिक मकतूल इंजीनियर अफजल के कत्ल में जो वेपन इस्तेमाल किया गया वो ये खंजर था, और ये खंजर मुल्जम शेरा के डेरे से बरामद हुआ। लिहाजा कातिल कोई और नहीं, मुल्जम शेरा है, शेरा बदमाश। मैं आज अदालत आलिया के सामने इस मुकदमे के दो ऐसे गवाहान पेश करना चाहूंगा जो अदालत आलिया के सामने हकायक भी बयान करना चाहते हैं और मुल्जम शेरा की दहशत के सामने सच बोलने की जुर्रत भी रखते हैं। गवाह पेश किए जाए। आप इस पाक किताब पर हाथ रखकर कसम खाएं कि आप जो भी कहेंगे सच कहेंगे, सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगे। मैं इस किताब से हाथ रख के ते हाजिर नादिर जान के कहना वा कि मैं जो कमांगा मैं सच कमांगा ते तुहाडे मुंह ते कमांगा। पर ये बताइए कि जब इंजीनियर अफसर का कत्ल हुआ उस वक्त आप कहां थे? मैं शुरू तो तुहानू सुनाना वा, विचों ते मैनू याद नहीं रहिंदा। जनाब आली, वाकई तो दो दिन पहले की गल है। असल च इंजीनियर साहब मेरे पीर भरा भी सर। मैं पीर साहब की बनी हुई एक दवाई जी एक माई वसनपुरा रही औलाद नहीं होंगी देन वास्ते गया वा, तो विच राह दे मूसलाधार बारिश हुई, मार्केट के बरामदे च पना लई। अजे मैं पना लै रहा सा ते इंजीनियर साहब सड़क के लंबे पै सन, बदमाश शेरा ते उना दे उत्ते चढ़ाया सी ते उना नू छुरियां मिल रहा सी चमाचम चमाचम, ते ओ हेल्प हेल्प कर रहे सन। ए ते मैनू बाद ही समझ आई क्योंकि मैनू अंग्रेजी नहीं आउंदी कि ओ मदद वास्ते पुकार रहे सन। जे मैनू कुदरे अंग्रेजी समझ आउंदी ते मैं उना दी मदद जरूर करदा। ए वाकया सी, हुण मैं चला वा। अल्लाह तुहानू भी मेरी तरह सच बोलन दी तौफीक अता फरमाए। अब मैं अदालत आलिया से इस मुकदमे के दूसरे गवाह और इसके पीर साहब को बुलाने की इजाजत चाहता हूँ। इजाजत है। थैंक यू योर ऑनर। आप भी इस पाक किताब पर हाथ रखकर कसम खाएं कि जो भी कहेंगे, सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगे। मैं इस कलामे पाक से हाथ रख के कसम खा Oh, my God.
ऑर्डर ऑर्डर मिस्टर शेरा, तुम अदालत की तोहिन कर रहे हो। नहीं, किसी को भी अपने कुरान की तोहिन नहीं करन देगा। तुसी उसे सिर्फ एक अदालत में जाओ, ते मेरा कुरान पाक दो जहानों का मालिक है। माफ करना चाहे साहब, मैं तुहाडी अदालत की तोहिन नहीं की थी। इंसाफ दीआं कुर्सियां ते बैठण वाले मुनसफा अगे मैं सिर्फ इन्नी दरखास्त करनी चाहना वा कि कह दो इन्हां नूं कह दिओ कि गवाहियां देण लई पुराने पाक ते हथ रख के झूठियां कसमां ना खाया करन। जज साहब, झूठियां कसमां ना खाया करन। पुराने पाक के इतराम मन कहना वा के कातल मैं गवाहों के बयानात और मुजरम के इकबाल जुर्म ने साबित कर दिया है कि इंजीनियर अफजल का कत्ल शेर अली उर्फ शेरा ने ही। लिहाजा अदालत शेरा को ताजीरात पाकिस्तान दफा 302 के तहत सजाए मौत का हुक्म सुनाती है। आयो आयो जी, अंदर ले आओ, अंदर ले आओ। सुन शाबाज, चल इधर नु, चल उधर नु, चल, चलो शाबाज, सारा सामान इधर आ जाओ, आ जाओ, चलो तलाशी देके वापस चलो, चलो शाबाज, चलो। मां आ गया भाई, आ गया, पैन का जायज आ गया, बिखरा ना भूलो, अज ही तुहाडे कार च पैन का जायज हाजिर हो गया। ए मेरी भैन वास्ते सिलाई मशीन देखी भैना, मेरे वर्गा बखाना मार दई ट्यूटी उंटी। ए टेलीविजन जेदे च मेरे वर्गे कार्टून देखेंगी। ते मां जी, ओ पई वाशिंग मशीन जिदे च भैन मेरी अपने सोहरे नु पा के उन्हां नु धोएगी ते साफ करेगी, ते इहो जे ड्रैगन ओहदे बाहर आणगे ते वाह वाह। लै भई अपना दीवाने, असी भैन नु इन्ना को जेवर दे दिता है कि मैनू उम्मीद है अल्लाह दी जात तो इंशाल्लाह एले दा डाका जरूर पाएगा। आराम नाल इस सारे जेज का समान वेख के साड़ी भैन खुशी नहीं हुई। नहीं, तकदीर रुस गई है। इस सारे समान की बजाय काश तुसी वह नसीब खरीद सकते जेड़े थोड़ी भैन सुहागन बना सकते। की कह रही है मां, साड़ी भैन के सुहागन बनने केड़ी कसर रह गई है? वो की डिमांड है मां साड़ी भैन के सहुरे की? तेरी जान की कसमें, तू एक बारी ऑर्डर ते ला, तेरे पुत्र अपनी जिंदगी बेच के भी उन्हां दी डिमांड पूरी करेंगे। डिमांड ताड़ी पैन दे सौरियां ने नहीं की थी, मुकद्दर साढ़े हार गए सन, साढ़े बनवाइए ते कत्ल पै गया। तू फिक्र ना कर मां, कत्ल मैं अपने सिर ले लवांगा, ते मस्ताना गवाही देके साड़ी भैन दे सुहाग नूं बचा लेगा। नहीं दीवाने, एह की बेवकूफी की गल कर रहे, एह कतल मैं अपने सिर ते लवांगा। नहीं नहीं नहीं, दस दीवाने की करिए, तू मेरे खिलाफ गवाही देके मैनू फाह लवा दे। नहीं और नहीं दोस्त, असी भैन का सुहाग बचाना है। मां जी तुसीं रोना नहीं, मैं जो मैं बचावांगा अपनी भैन का सुहाग, मैं जावांगा फांसी दे फंदे ते, तू मेरे खिलाफ गवाही दे दे, पर मैं उहदी जिंदगी बचा लई। मेरे पुत्रो, ताड़ी ये गुरबानी भी जाया जाएगी, कानून ने उन्हें फांसी की सजा दे दी है। शीला
मेरी भैन का सुहाग झूठे गवाहों का बेड़ा गर्क करे जिन्होंने उस फरिश्ते झूठी गवाही दे के पाए लवा दिता है। उन्होंने इस मां के कलेजे से फट लाया, सुखी वो भी नहीं रहेंगे। एक मां की बदुआ है उन्होंने नहीं मां, नहीं नहीं, सानू बदुआ ला दे मां, सानू हत्ती मार दे। जिन्होंने झूठी गवाही दे के अपनी भैन के सुहाग नू फांसी के तख्ते तक पहुंचाया। मैनु माफ कर दे मां, मैनु माफ कर दे मां, मैनु माफ कर दे मां, मैनु माफ कर दे। रब सानू झूठिया गवाहियां की सजा एहो जी देगा मां, असी कदी सोचिया भी नहीं सी। पैरा थले जमीन ते मेरे भी निकल गई है। उस भैन का घर उजड़ी जाना चाहिदा सी, जिदे भरा बेगुनाहां नू सजा दवा के लोकां दे घर उजाड़दे रहने। वे तुसी अपनी भैन ने अपनी नेक कमाई विचों ਉਹਦੇ ਲਈ ਸੂਆ ਜੋੜਾ ਦੇਖੀ, ਕਫਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ। ਨਿਕਲ ਜਾਓ ਮੈਥੋਂ, ਚਲੇ ਜਾਓ ਮੈਥੋਂ, ਚਲੇ ਜਾਓ, ਲੈ ਜਾਓ ਤੂੰ ਵੀ, ਲੈ ਜਾਓ ਵੀ ਲੈ ਜਾਓ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਇਸ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਕਦਮ ਰੱਖਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਝੂਠ ਕੋਲੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਤੇ ਸੱਚ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੋ ਜਾਏ। ਨਿਕਲ ਜਾਓ ਮੈਥੋਂ, ਚਲੇ ਜਾਓ ਮੈਥੋਂ, ਚਲੇ ਜਾਓ, ਲੈ ਜਾਓ ਤੂੰ ਵੀ, ਲੈ ਜਾਓ ਵੀ ਲੈ ਜਾਓ, ਨਿਕਲ ਜਾਓ। रब उन्हें झूठे गवाहों का बेड़ा गर्क करे जिन्होंने उस फरिश्ते झूठी गवाही दे के पाए लवा दिता है। उन्होंने इस मां के कलेजे से फट लाया, सुखी वो भी नहीं रहेंगे। एक मां की बदुआ है उन्होंने, एक मां की बदुआ है उन्होंने, एक मां की बदुआ है उन्होंने। वे ये तो वो ही नाम मुराद ने जेड़े कुरान दी झूठियां कसमां खांदे सन। अल्लाह माफी, अस्तगफार। तौबा तौबा, वाह मेरे अमाल का, गुनाहगारां नूं सजा तू इसी दुनिया च दे देना है। बदबख्तो, मैं ते तानू दोवानू अपने बेगुनाह यार नू पहलवान दे चक्कर च लगदा फिरदा सा, पर तानू इद्दत दा निशान बनिया वेख के घर च पनाह देन नू दिल करता है। अरे देख लिया जी, अरे देख लिया जी, कुरान दा अज़ाब, मेरा कुरान सच्चा है, सच्चा है मेरा कुरान। المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان. اے میرے پروردگار، اپنے اس پاک کلام دے صدقے دیوانے تے مستانے تے رحم فرما، تے انہاں دی غلطیاں
माफ कर दे ते मेरे प्रा शेरे नु बली करा दे आमीन। तेरे फौजी भरा ने इन्हां झूठे गवाहां दे दस्तखत शुदा बयान नाल रहम दी जड़ी अपील कीती है ओ वी रिजेक्ट हो गई। पर जड़े दस्तखत तेरी इज्जत दे कोरे कागज ते मैं करके जावांगा उन्होंने देख के तेरे फौजी प्राणों दुश्मन के केस की पैरवी करने की जरूरत नहीं होगी। रब दे केस तो दा इंस्पेक्टर तो सकता बालन ना बन पहले अपने इंतकाम की अग च सड़ लवान फिर तो दोज़ख की अग च भी सड़ लाऊंगा। लुटी हुई इज्जत की गवाही भी तुसी देनी है। الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله
أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله واہ میرے مالکہ تیاں پینا دیستا شرما بھی تو ہی رکھنا ہے تینا للے لنگڑیاں کھلون دی طاقت بھی تو ہی بخشنا ہے सरकार तुहाडा दर तो मनता मंग मंग के मंगया शेर अली जे शेर अली फाय लग गया तो निमाड़ी मां भी तेरे दर ते टकरा मार मार के मर जाएगी दादा पीर मैं उदो तक तेरे दर तो नहीं जाना जदो तक तुसी रब दे हुजूर मेरे पुत्र दरसा वदान दी सिफारिश नहीं कर दे नहीं कर दे नहीं कर दे ओए नु ले चलो उते मनु आसा देन दी कोई लोड़ नहीं आए दाता सरकार कर करम करवा करम ते रख शरम ਜਾਲ ਫੋਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਗਰਾਨ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਦਿਆਂ ਹੀ ਸਜ਼ਾਏ ਮੌਤ ਦੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਉਮਰ ਕੈਦ ਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਇਹ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਰਡਰ ਦੀ ਕਾਪੀ ਸ਼ੇਰੇ ਦੇ ਗੱਲ ਚ ਰਸਾ ਲਾ ਦਿਓ ਕਰ ਕਰਮ करवा करम ते रख शरम तू बड़ा लकी है शेरिया लकी नहीं साहब गाजी को गाजी हक की खातर अपने गले था पाने ले शहीद होते ने जिन्हों की कंध के पीछे शेरिया ताता प्यादा हाथ होए उन्होंने सब ते खैर होंदिया ने और सत्ते खैर होंगे ने तेन उन्हें जिंदगी मुबारक हो शेरिया मैं मुबारक उदो लवाना जो दादा सरकार की नगरी चो मुनाफक का कन मुका देंगे तू बदनाम हो चुका है जाफर खान सुना लो बदनाम ज्यादा बुरा होता है कानून दिया नजर इच आवाम दिया नजर इच हबील मर चुका है पर आज तू जलील किसे नवे ना तू स्टैबलिश होगा ते सियासत करेगा लाज नहीं हूं ना तू झूठे गवावां दा जिन्हां दे सच ने मैनू नंगा कर दिता है ते हुण फांसी तो बचण वाले शेर दी उम्र कैद खत्म कराण लई सबूत इकट्ठे कर रहे ने हुण उन्हां नूं सबूत नहीं कानून दी बंदूक टकरेगी कानूनी दाव पेच दे ओ पुराने खिलाड़ी ने ते दीवाने मस्ताने दी संगी ते नौ रखन दा वल मैनू आंदा है दीवाने मस्ताने ताड़ी मां के पैर नू दुश्मन चुकते लै गए ने नहीं ए नहीं हो सकता जिन्हें साड़ी मां पैर नू चुकया असी उन्हू दुनिया तो चुक देंगे चल मस्ताने झूठिया गवाइया देने वाले हो जे सच की राह से तुर पे हो तो फिर जोश नाल नहीं होश नाल तुरो तुसी दो ते ओ 2000 तो भी वध ने और 2 लाख भी होन ते परवाह नहीं
हम साढ़े कोल सच की ताकत है तो फिर ताडे नाल असे दोवें भी जावांगियां। ऐ ठीक कह रही ने, उन्हां नूं इहो जिहा सबक सिखावांगे कि मुड़ के वो इहो जिही हरकत नहीं करनगे। वशमल्ले वशमल्ले जानम वशमल्ले वशमल्ले जानम वशमल्ले वशमल्ले जानम वशमल्ले वशमल्ले जानम मेरी जान तेरी जान जान तेरे को कुर्बान। ओ काला काला यार मेरा काला, ओ काला काला यार मेरा काला, बोले रंग का मान न करिए यार होए निर्वाला। काला काला यार मेरा काला, ओ काला काला यार मेरा काला। काला यार मेरा काला।
रानिए कर दिता रानिए मैनू माफ कर दी भैना नहीं जिमी को जेरे दफा 302 ताजीरा ते पाकिस्तान के तहत सजाए मौत का हुक्म सुनाती है। रब ने तेरी नेड़े होके सुन ली है शेर अली। असा अपने सिर का ताज तेरे सिर पे रख दिता है ते हुण मुका सकने ते मुका दे दाता सरकार दी नगरी चो है गुंडागर्दी। मैं जरूर मुकावांगा इस गुंडा राज नू। डैडी किराए दे गवां ने सारे सबूत अदालत तक पहुंचाए थे ने शेरा उड़े आके साडा पीछा करेगा। साडे अड्डे ते शेरा ते की ओदी हवा भी नहीं आ सकती। शेर पिंजरे च बाहर आ गई जाफर खान समझ ले शेरे दा पहला बारी और मैं तोड़े सारे दा मुंडा राज मुका देना। समीर मार दे उन्होंने बारूद की गोलियां मारन की लड़ नहीं पैंदी। चले कुरान ते हाथ रख के कसम झूठी खा जान उन्होंने कोई समीर नहीं होंदा नूरी। अरे अच्छा उठाए नहीं शेरे मैं इन्हू नहीं मारी था है ते उदो मर गया सन जो इन्हू पता लग्या कि तू इन्हें भैन का होने वाला सुहाग है। नूरी दियां गल्लां च आके सानू मारन का प्रोग्राम मुलतवी ना कर शेरिया। काश सानू मार उदो पई होंगी जो असी पहला झूठ बोलिया सी। काश साढ़े सिर ते भी शफकत दा हाथ रख के समझाने वाला कोई प्यो हुंदा ते असी झूठ बोलन वाले मुजरिम ना बनते। सवेर दा पुलिया शाम नू वापस घर आ जाए ते उन्हूं पुलिया नहीं कहंदे। जे तुसी सच्चे दिल नाल तौबा कर लईए ते फिर ताता देस मलंग नाल मिलके उन्हां दुश्मनां वल मुंह कर लो जिन्हां दे गुंडा राज दी वजह तो तुहाडे जे मासूम भी मुजरम बन गए ने। ठेकेदार साहब तुहाडे लई बुरी खबर है। साडे गुंडा राज दे मजबूत पिलर MPA जाफर खान नू मफरूर शेर अली ने कतल कर दिता है। मैं उदी लाश पोस्टमार्टम तो बाद तड़े कोल कोठी लेके आ रहा। हौसला रखो ठेकेदार साहब ताडे दादे चार चुफेरे पुलिस का मजबूत पैरा है। इतनी शेरा देखी कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता। वैसे मेरा ताड़ा राबता मुसलसल फोन ते रहेगा। अल्लाह हाफिज। सानू माफ कर दें जाफर खान तू साड़ा यार ही नहीं साड़ा बाजू भी सही। असी किड्डे बदनसीब हाँ कि असी तेरी जिंदगी भी नहीं बचा सके।
ਮੈਨੂੰ ਕੈਸੀ ਨੇ ਐਸਪੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਸਟ੍ਰੈਚਰ ਸ਼ੇਰ ਅਲੀ ਤੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਤੱਕ ਖੁੱਲੀ ਫਿਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਫਤਿਹ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਨਾ ਮਸਤਾਨਾ ਨੇ ਸਾਡੇ ਗੁੰਡਾ ਰਾਜ ਦੇ ਦੋ ਥੰਮ ਡੇਗ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਹਾਬੀਲ ਜੇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਬੁਲੰਦ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ
जिस दिन इस मुल्क की साडा गुंडा राज खत्म हो जाएगा, जे साडा गुंडा राज खत्म हो गया ते बेरूनी ताकत ने सानू भी खत्म कर देना है, जिन्हां दे बलबोते ते असी इस मुल्क च हुंडा राज करने आ। ओ दिन कदी नहीं आएगा हबील, शेरे दे सज्जे खब्बे दीवाने मस्ताने नू मात देन लई मैं एक मोरा खरीद लिया है। ओ कौन है? ओ ऐ वे ऐ ओ ते बॉर्डर पीण वाला नशेई है। मैं सिर्फ नशेई नहीं, उस नरगस दा सौड़ा भी हां जिन्ने मस्ताने नाल शादी करके मेरिया बेड़िया च वट्टे पा दिते ने। मैनू ओदी शादी दा ते कोई दुख नहीं, गर्मी ते ऐस गल दी ए कि मस्ताने ने मेरा हैरोइन खरीदन दा खर्चा भी बंद कर दिता है। ओए मैं तेनू हीरोइन दी बोरी च बंद कर देंगा, तू सिर्फ ऐना दस दे के दीवाना ते मस्ताना इस वेले किथे मिलन गए। मामी मामी बेटा पहचाना ये कौन है? नहीं मम्मी। नहीं ना, ये तुम्हारी दादी है बेटा, आ जाओ मेरे पास। आय शाबाश मेरी बेटी। दादी अम्मा आप भी पापा के साथ लंदन गई हुई थी? हाँ मैं भी पापा के साथ लंदन गई हुई थी, तुम्हारे पापा काम में इतने बिजी थे कि मुझे भी नहीं आने दिया, इसीलिए तो मैं अपनी बेटी से मिल नहीं सकी। इसका मतलब ये है कि गलती मेरे पापा की और सजा हम दोनों को मिली है। सजा मैं देंगा। तेरे पुत्रा ने मेरी नोटा वाली मशीन खो के मेरा नशा पानी बंद कीता है, ते हुण समझ ले तेरी बर्बादी दे दिन आ गए ने। हबील जिथे आप आंदा है उथे सारे दलील खत्म हो जांदे ने। अज ना जन्नत बचेगी ते ना ओदी छां थले रहन वाले ओ दो फुल जिन्होंने हबील नाल मत्था लान दी कोशिश कीती है। ऐ तेरी खुशकिस्मती है के मेरे दोवें पुत्र काज मौजूद नहीं, नहीं ते उन्होंने तेनु ऐसे ही दोजख दी आग च साड़ देना सी। दोजख दी आग ते जन्नत दी छां ते तेनु अगले जहान च मिलेगी, पर हबील दे बारूद दी आग तेनु ऐसे जहान च साड़ के सुआह कर देगी। नहीं क्यों हो गया सी है? नहीं, नहीं। मम्मी देखो बेटा इस सालम से बच कर भाग जाओ। पिंकी मम्मी मम्मी पिंकी पिंकी एनू किथे नसन दियागा, एने ते जवान होके मेरा सहारा बनना है। पिंकी नहीं पिंकी 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 बेटा मेरे कलेजे च ते ठंड उस वेले पैगी जदों मेरिया बेड़िया च वट्टे पाण वाला मस्ताना मर जाएगा। ओए बेवकूफ एदा मैं एडवांस बंदोबस्त कीता है, हीरे इस बम नू एदी मां दी लाश नाल बंद दे, मस्ताने दी मां दी लाश नू उथे बलकूनी टंग दे, मस्ताना अपनी मां दी लाश नू जदों वेखेगा ते पागला वांगो उथे नसेगा, ते रस्ते च पई बीवी दी लाश नू वेख के अपने गल न लाएगा, ते ओदी रूह इस बम दे ब्लास्ट नाल
अगले जहान च अपनी मां नाल सो जाएगी। हाबील हुण तू इथों चल ते मैं मस्ताने दी मौत दा नजारा इथे आप वेखांगा। मस्ताने नु ते मैं मजा चका दिता है जबरान, पर मेरे गुंडा राज दे रस्ते दी सब तू वड्डी रकावट शेरा हली भी खुली फिजा सा ले रहा है। उसे फिक्र ना करो बॉस, शेरे नु बकरी बना के कानून दे वाड़े च कैद करन ले मैं उदी दुख दे रग ते हाथ रख दिता है। शेरे नु दुख दी रग उदी मां तो इलावा होर कौन हो सकती है। शेरे दी मां नु ले आयो। जी सर। कानून दे कातला
कतल मेरे ते वाजब है। और रब का दूसरा रूप होंदा है इस अफसर नू ओए मां दे रुतबे दा पता लावे उनू इस वर्दी की किस शनाख्त होगी तू इस वर्दी दे काबिल नहीं होए उठाए वर्दी ला ला वर्दी मेरे के लग के न सोए और तेरा कतल बलतारी चोवेगा चुक के लिया और बाजार ले इस वैशी की लाश इस पुलिस थाने के चौकी तन चलिया वा ज्ञान वाले अफसर एदी लाश जिबरत का निशान बन जाए आशुरी बुरी मां जी कितने शेरे ऑपरेशन छेड़े रिच तूने आप शोर मत करें अंदर आपकी वालदा का ऑपरेशन हो रहा है प्लीज शोर मत करें डॉक्टर मेरी मां बच जाएगी ना उन्हें इलाज से ज्यादा आपकी दुआओं की जरूरत है या दाता कर करम करवा करम ते रक्षणम नूरी मैं दाता सरकार मां दी दुआ करन जा रहा हां तू मां दा ख्याल रखी नहीं शेरे तेरे दाता दरबार जाना खतरे तो खाली नहीं है उसे जगह जगह तेन पुलिस लग गई है मां का ख्याल तू रखी नूरी शेर नु दाता दरबार में आप ले जावांगा मैनू तो इंज लगता है जलाल कि हुण तेरी भी बड़ी छेती बारी आ जाएगी ओ बेला आन तो पहला मैं उना दी मौत का जाल पूरे शहर च फैला दिता है खास करके दाता दरबार ते उस अस्पताल के बाहर जेदे जो दी मादा ऑपरेशन होने वाला है मादा ऑपरेशन हाँ एदा मतलब है हुण साडा ऑपरेशन कामयाब हो जाएगा एदे च की है सरकार दा लंगर है जनाब खाना चाहो ते मैं पेश कर सकना इंस्पेक्टर इस गड्डी तलाशी लवो ओके सर देगा च राशन है सर तू जा सकना है बड़ी बड़ी मेहरबानी सर चलो चलो इंस्पेक्टर ख्याल रखी कोई भी शख्स इतों तलाशी तो बगैर ना गुजरे ओके कोई नहीं गुजरेगा सर करवा करम दोनों जहां में रक्षरम
पीरों का पीर है, रोशन जमीर है, पीरों का पीर है, रोशन जमीर है, पीरों का पीर है, रोशन जमीर है, अली हजवेरी दादा सबका दस्तगीर है, पीरों का पीर है, रोशन जमीर है, अली हजवेरी दादा सबका दस्तगीर है, पीरों का पीर है, रोशन जमीर है, अली हजवेरी दादा सबका दस्तगीर है, पीरों का I'm not afraid.
इस मरीज का बचना किसी मौजदे से कम नहीं। आप ऐसा करें, सिस्टर को कहकर पेशेंट को वार्ड में शिफ्ट करवा दें। मां, दादा जी के सदके तेरी जान बच गई है। ए देख, तेरा पुत्र है। आश, मां नहीं, तेरा पियू। अबीर, तू दस साल मेरी मां कितने वे? आश। एक्सक्यूज मी, मैं बीमार हूं। मेरा मतलब है कि जब ठेकेदार ने एमपीए की लाश तू कपड़ा चुकया ते अंदरों तू निकलिया, हुण जे तेरी मां की जगह ते मैं निकलिया ते तेनू की इतराज है भाई? मैं तेनू जिंदा नहीं छड्डांगा। ओए, मैनू मारन तो पहला अपनी मां नू बचा। खबरदार, जे एक कदम भी तू इस दरवाजे तो बाहर कढ़िया ते मेरे बंदे तेरी मां नू दिशियो 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 मार देंगे। मेरी मां ते समझ तू फैल, अजे तक तेरे साथ चल रहे ने अबीर, नहीं ते मैं दाता सरकार दी नगरी दा ये सारा गन चुक के बार सुते रसू। मैं कोई एमपीए जाफर खान, ठेकेदार याद पुलिसिया नहीं, जिन्हों तू आसानी नाल मार सकेगा। मेरा नाम हबील है, हबील जलील। ते दुनिया का सब तो पहले कतल उस हबील ने किया सी, ते हुण ये आखिरी कतल भी हबील ही करेगा। बगदादी, स्ट्रक्चर नूं धक्का दे दे। पुत्र दोवें हुण आवाम दी अदालत च इलेक्शन लड़न लई असी आ जावांगे। नहीं हो सकता, ऐ सालमो,
ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਮੇਰੀ ਕੁਰਸਾਇਨਾ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਸੱਟਾਂਗਾ ਸਾਰੇ ਮਾਪਿਆਂ। مثال قائم کراں گا دوسرے لیڈراں دی طرح میں غریب عوام نو سڑکاں تے لیا کے ظلم دی بٹی دا بالن نہیں بڑھاواں گا نہیں بڑھاواں گا بلکہ میں احتجاجن طور تے سب تو پہلے قربان ہون لئی تہاڈیاں اکھاں دے سامنے اپنے اتے پٹرول چھڑک کے اگ لاواں گا। असी तेरे जज्बात की कदर करने आलम खान साहब, पर असी तुम मरन नहीं देंगे। बह जाओ अबील दे बंदे। ऐ खुदकुशी नहीं, ऐ जात फीस अबील लै जिहड़ा आलम खान साहब कर रहे ने। अल्लाह तुहानू इहदा अजर दे। शुरू करो बिस्मिल्ला। तालियां। हजरात आलम खान वल्ड अपना की आदम खान दे पुत्र ने ते जबान वाले भाई ने जो कहते ने करके विखाते ने। इंशाला तबारक ताला रोकन के बावजूद खुदकुशी करके विखाओगे ना? हाँ हाँ, ए कोई शक। अगर इन्होंने दूजे लीडर वांगू खाली बड़का ही मानिया होंगे सानू पेट्रोल लिया ऑर्डर ना दें दे। कबाना गड्डियां च पान ले खालस पेट्रोल लभे ना लभे, पर तुहाडी पुर खलूस खुदकुशी वास्ते असी खालस पेट्रोल लेके आए हैं। ते फिर छेती नाल आलम खान साहब नू पेट्रोल दा गुसल कराओ। शर्म इन्हां नू पेट्रोल दा गुसल ते माचिस दा कफन देना बहुत जरूरी है। ए आवाम दी ख्वाहिश है ते तुहाडी भी ख्वाहिश है। एलो पाई मेरे सजना नु हस्पताल च मारिया है ते मैं तेरी कबर इत्थे बनावांगी। नहीं 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 नहीं, मैं मरना नहीं चाहता, मैं खुदकुशी नहीं करना चाहता। इस लई कि अल्लाह ताला ने फरमाया है कि खुदकुशी करना हराम है। ओए मेरे वालों मुल्क च मुंडा राज कायम होवे पावे मुल्क तबाह होवे, ओए मैं मरना नहीं चाहता। ओए आवाम दे बच्चियो देखो ते सही मेरी अजी उम्र ही की है। ए देखो देखा जे मेरे भराओ, ओए कुछ सोचो, हुण भी अखां खोलो। ए लीडर नहीं ए ओ दीमक है जेड़ी साडे वतन नू चक रही है। ओए सोचो अखां खोलो, तुसी पैर च पाण वाली जुत्ती खरीदन जांदे हो ते दुकानदार दे नाल एक घंटा बहस करदे हो, लेकिन अपनी किस्मत दा मालिक जिनू बनांदे हो, जिनू तकदीर दा मालिक बना के असेंबली च भेज दे हो, ओदे मर्जी दे मुताबिक एक मिनट नहीं सोचते। कसूरवार तुसी हो। खबरदार खबरदार, जी किसी ने आलम खान नु हट लाया अज फायर खोल देंगा। Come on!
ਜਾਨ ਦੇ ਸਾਹ ਤਲੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਓ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੀਨਾਰ ਬਣਾ ਦਿਆਂਗਾ। बेशक गुंडा नहीं हो सकता। हबील तू निकलन दी कर। सुनो पुलिस वाले, हो जे अपने डीआईजी की जिंदगी चाहते हो मैनु बॉर्डर क्रॉस कराने लई हेलीकॉप्टर मंगवाओ। अज तेरे इंतखाबी निशान नल तेरे वजूद तेनिया को मुड़ा लावांगा, जे मुड़ के कोई जलम इलेक्शन लड़न की जरूरत नहीं करेगा। Oh,
अच्छा चले यार। बिजली, मैं इस गल की बड़ी खुशी है कि जिस कदमे की असमत लिए इस मुल्क की बुनियाद रखी गई थी उसी कलमे की असमत ने मैनु अज शहादत का रुतबा दे दिता है। परवरदिगारा तेरे को आने तो पहला मेरी एक इल्तिजा है, मैं तो इस मुल्क चो चलिया वा पर मेरे जान तो बाद तेरा कलमा इस मुल्क चो नहीं जाना चाहिए। तेरा कलमा इस पिछो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह।